Greetings of the day, everyone. This is Mamta, your ELGA A teacher of class 3rd from Bal Bharati Vidyapeeth, Gohana. Today, we will continue with our second unit, Folktales and Mythological Story. In this session, we will read about our third component, that is reading and listening comprehension. In this session, we will learn about an important story. Who hit the bird's eye? Who hit the bird's eye? Before reading the story, let us learn some vocabulary words from this story. Our first word is archery, means shooting with a bow and arrow, especially as a sport. Teer aur kamaan ke saath nishanebaji karna. Archery means nishanebaji. Next, jealous. Feeling envy towards someone due to their achievements or advantages. किसी के प्रति जलन की भावना रखना. Jealous means ईर्ष्या. Next, pleased. Feeling or showing happiness and satisfaction. Pleased means प्रसन्न होना. Pleased means प्रसन्न होना. So, these are the vocabulary words from this story. Now, let us start reading. Drona was the teacher of the princess of Hastinapur. Drona, Hastinapur ke Rajkumaro ke guru the. He trained them all in archery. Unhone un sab Rajkumaro ko dhanush kala mein prishikshit kiya tha. Means, unhe dhanush kala sikhai thi. Unhe nishanebaji karna sikhaya tha. अर्जुन वॉज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. अर्जुन उनकी क्लास के उनके एक बेस्ट स्टूडेंट थे, उनके एक सबसे प्रिय शिष्य थे. वन ऑफ द स्टूडेंट्स गोट जेलिस ऑफ अर्जुन. उनमें से एक शिष्य को अर्जुन से ईर्ष्या थी. द्रोणा सेड, यू विल सी व्हाई अर्जुन इज द बेस्ट. द्रोणा ने कहा, तुम देखोगे अर्जुन बेस्ट क्यों है. द्रोणा डिसाइडेड टू टेक अ टेस्ट ऑफ एवरीवन. द्रोणा ने प्रत्येक राजकुमार का एक टेस्ट लेने का निर्णय किया. ही हंग अ वुडन बर्ड फ्रॉम अ ट्री. उन्होंने पेड़ के साथ एक लकड़ी का पक्षी लटका दिया. ही आस्क्ड ईच प्रिंस टू शूट एट द बर्ड्स आई. उन्होंने प्रत्येक राजकुमार को पक्षी की आंख में निशाना लगाने को कहा. ईच प्रिंस केम फॉरवर्ड एंड एम्ड एट द बर्ड. प्रत्येक राजकुमार आगे आया और उन्होंने पक्षी पर निशाना लगाया. द्रोणा आस्क्ड ईच ऑफ देम, व्हाट डू यू सी इन फ्रंट. द्रोणा ने प्रत्येक राजकुमार से पूछा, व्हाट डू यू सी इन फ्रंट, तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है, तुम सामने क्या देखते हो. I see a tree and a bird, said each prince. प्रत्येक राजकुमार ने कहा, हमें एक पेड़ और एक पक्षी दिखाई दे रहा है. Hearing this, Drona stopped them. इतना सुनने पर द्रोणा ने उन्हें रोक दिया. When it was Arjun's turn, Drona asked him the same question. जब अर्जुन की बारी थी, द्रोणा ने अर्जुन से भी सेम क्वेश्चन किया. अर्जुन रिप्लाइड, आई सी ओनली द बर्ड्स आई. अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है, मैं केवल पक्षी की आंख देखता हूँ. द्रोणा वॉज प्लीज्ड विद द आंसर. द्रोणा उसके जवाब से प्रसन्न हो गए. ही आस्क्ड हिम टू शूट. उन्होंने उसे शूट करने को कहा. द एरो हिट द बर्ड्स आई. तीर पक्षी की आंख में जाकर लगा. द स्टूडेंट हु वॉज जेलिस अंडरस्टूड वाई अर्जुन वॉज द बेस्ट. वो शिष्य जिसे अर्जुन से जेलिस थी, ईर्ष्या थी, वो समझ गया कि अर्जुन बेस्ट क्यों है. सो दिस वॉज द स्टोरी, हु हिट द बर्ड्स आई.
So, what we learn from the story? Yes, we should be focused to our goal. हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए. Like Arjun, we should be focused to our goal. So, this was the story. Thank you. Have a nice day.